स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्वादिष्ट चिचूल्हा प्लस लाइफ में। तो स्वागत करती हूँ अपने भीमताल से और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो गाइस, जैसा कि आज है 31 दिसंबर, तो साल का लास्ट दिन है, तो साल के लास्ट दिन में कुछ और यादें जोड़ने के लिए तो हमने सोचा क्यों ना आज एक नैनीताल का टूर कर लिया जाए। तो निकल पड़े हम नैनीताल पे, और ये हमारी भीमताल लेक जिसे देख सकते हैं। और बात करते हैं भीमताल लेक की, तो फुल ऑफ टूरिस्ट है, काफ़ी अच्छा खासा टूरिस्ट यहाँ पे आया हुआ है। तो हम भी निकल पड़े हैं अपनी दो पहियों की गाड़ी में नैनीताल की ओर, देखते हैं कितना ट्रैफिक होता है। अगर ज़्यादा ट्रैफिक होगा, जहाँ तक पहुँच पाएंगे उतना पहुँचेंगे, और साथ ही साथ शाम को हमें जल्दी वापस भी आना है। तो हमारी जो कोशिश रहेगी कि हमें जो है टाइमली वापस भी आना है, तो 3 या 4 बजे के आसपास हम नैनीताल से जो है वापस हो जाएंगे। क्योंकि क्या होना है कि आजकल एक तो बाघ का खतरा हमारे यहाँ पे काफ़ी बना हुआ है उत्तराखंड में, और साथ ही साथ काफ़ी भीड़ भाड़ भी है। तो निकलते हैं और नैनीताल पहुँच गए हैं। आप देखो नैनीताल का सीन, 31 में कितनी भीड़ है नैनीताल में। चले, हाँ 31 का दिन है तो उसके हिसाब से तो नैनीताल में अभी उतनी भीड़ नहीं है। हो सकता है 4 बजे बाद भीड़ जो है बढ़ सकती है। अब नैनीताल आ गए हैं तो नैनीताल की कहानी सुनाए बिना कैसे जा सकते हैं। देखिए, स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर अर्थात 3 साधुओं की सरोवर माना जाता है। उन साधुओं का नाम था अत्रि मुनि, पुलस्त्य मुनि तथा पुलक की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। मानता है कि ये तीनों ऋषि यहाँ पर तपस्या करने आए थे, परंतु उन्हें यहाँ पर पीने का जो है पानी उपलब्ध नहीं हुआ, अतः उन्होंने अपनी प्यास मिटाने के लिए तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील के जल को यहाँ तपस्या से जो है लाए, तो उससे जो है उसका नाम कर्ण हो गया नैनीताल। दूसरा महत्वपूर्ण पौराणिक जो संदर्भ के अनुसार अगर देखा जाए तो नैनीताल को 64 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इन शक्तिपीठों का निर्माण सती के विभिन्न अंगों के गिरने से हुआ। जब शिव सती को जली हुई अवस्था में ले जा रहे थे, मानता है कि इस स्थान पर सती की बाई आंख, जिसे हम आंख को नैन भी कहते हैं, गिरी थी, जिसे नैनीताल के संरक्षक देवता का रूप लिया, इसलिए इसका नाम नैनताल पड़ा, जिसे बाद में नैनीताल के नाम से जाना गया। इस तालाब के ऊपरी छोर पर नैना देवी का मंदिर है, जहाँ पर देवी शक्ति की पूजा होती है, और यहाँ एक गुरुद्वारा भी है, ठीक है, जहाँ सिख समुदाय के लोग जो है मत्था टेकने जाते हैं और बाकी धर्म के भी जाते हैं, और सामने उसके और मस्जिद भी है। तो सब मिला जुला जो है समीकरण है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम और सिख। और अगर हम जैसे ही तल्लीताल से मल्लीताल जाते हैं तो रास्ते में हमें चर्च भी मिलता है। तो अगर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि नैनीताल जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सभी का जो है मिक्सचर है, मतलब इसमें यहाँ कोई भी इस टाइप का कुछ भेदभाव टाइप का नहीं है। और ये है हमारी नैनीताल की बाज़ार। तो यहाँ आपको जो है अपने कपड़े मिल जाएंगे, गर्म कपड़े, बच्चों के टॉयज मिल जाएंगे, आइसक्रीम मिल जाएगी, और ये यहाँ जो है तो ये पूरा जो है पूरी बेल्ट जो है खाने की, यहाँ चाइनीज़ आइटम आपको खाने को मिलेंगे, मंचूरियन, चाउमीन, मोमोज, और इसके सामने जो है पूरे कपड़ों की मार्केट है। और अगर थोड़ा आगे जाते हैं हम तो उसके अंदर को अगर चलते हैं तो भोटिया मार्केट है, जहां आपको जो है गर्म कपड़े, जीन्स, जैकेट, लोअर, ये सब जो है मिल जाएंगे। तो कॉस्ट थोड़ा जो है यहां थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी जो है लगभग ठीक है। और मौसम देखा जाए तो धूप खिली हुई है। इस बार का जरा ये रहा कि इस बार बर्फ़ नहीं गिरी। अगर बर्फ़ गिरी होती तो टूरिस्ट जो है यहाँ पे पैक होता एकदम पैक। तो अभी भी है होटल, लेकिन जो भीड़ दिख रही है इस हिसाब से 31 के हिसाब से भीड़ नहीं है। तो एक ये रीज़न भी रहा है कि इस बार जो है बर्फ़ नहीं गिरी, नहीं तो 31 इसके आसपास जो है नैनीताल में बर्फ़ ज़रूर गिरती है। तो अभी तक एक बार भी बर्फ़बारी नहीं हुई है। तो नैनीताल कैसा लगा आपको ये हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अब नई वीडियो नए साल में लेके आएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट करके बताइए। और आपको सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए शुभ हो और आपका जो भी कार्य हो संपूर्ण हो। तो ये नैनीताल का मंदिर है, देवी का मंदिर। तो अगर आप नैनीताल आएंगे तो मंदिर में ज़रूर आइएगा, उसके सामने ही उसका प्रसाद मिलता है, और ये सारे टॉयज़ की शॉप है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग आप एंजॉय कीजिए।
क्या लेना है आपको? आप क्या लेने वाले हैं? और मैं लेने वाली हूँ वैसू। और आप क्या लेंगे मिस्टर? मैं चाउमीन। तो तीन लोग हैं, तीन वैरायटी हमारी आने वाली है अभी। जैसे कि ये खाएंगे वेज मोमोज, और मैं खाऊंगी सूप, और ये खाएंगे वेज चाउमीन। चाउमीन मोमोज दिखाओ। ये है मेरे चाउमीन।